हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, जिसमें से हम दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। वो थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे और वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हमने की है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वैसा ही सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है, सिमिलर सा ही फॉर्मूला है। सो अगर आपको एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है तो इसे भी समझना कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो हमने किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा था, जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, राइट, वी हैव प्योर सॉल्वेंट, उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। जब हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो ये क्या बना देता है हमारे लिए, एक सॉल्यूशन। और हमें पता है कि जब ही प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जाए तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सो व्हाट वी कैन से कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होता है इन कंपैरिजन। सो वॉट वी हैव टू डू, वेपर प्रेशर ज़्यादा करने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से एक राइज देखा जाता है बॉइलिंग पॉइंट में, राइट। अब इसमें क्या रहता है, हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ रहता है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। सिमिलर ही ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का हम लोग ड्रॉ करेंगे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में, राइट। सो पहले हम देखें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्या कहते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर मान लो ये है, टेम्परेचर बढ़ा और वेपर प्रेशर भी बढ़ गया, ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे सॉल्वेंट की, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्वेंट। लेकिन अगर हमारे पास सल्यूशन हो जिसमें नॉन वॉलाटाइल सल्यूट है, उसका जो वेपर प्रेशर है डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ेगा, लेकिन सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो उसका वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। अब किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, अगर हम इस टेम्परेचर पॉइंट पे देखते हैं तो इसका वेपर प्रेशर आएगा कुछ इस पॉइंट पे, और इसी पे अगर हम लोग सॉल्वेंट का देखें तो उसका वेपर प्रेशर आएगा इस पॉइंट पे। तो डेफिनेटली जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है और जो हमारे पास सॉल्यूशन है, वी आर हैविंग सॉल्यूशन जिसमें हमने क्या ऐड किया है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, उसका वेपर प्रेशर कम रहेगा, ये चीज़ हमें पता है, राइट। सो अब हम देखें तो ये तो हो गया हमारा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ, राइट, समझ रहे हो ना, ये हमने किया हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की, क्या मतलब है इसका। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है गिरावट, कि फ्रीजिंग पॉइंट कम होना। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, वैसे ही हमारे पास रहता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। अब यहाँ पे हमारे लिए टर्म जो है यूज़ की वो है फ्रीजिंग पॉइंट। हमें पहले पता होना चाहिए कि हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते किसे हैं, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। अभी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जैसे किया था ना कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, सिमिलरली हमें पता होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं। सो बहुत ही कॉमन डेफिनेशन हमें पता है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाए, राइट, ठीक है, वो आपकी डेफिनेशन भी सही है। लेकिन इसकी एक और बहुत अच्छी डेफिनेशन है, क्या कहते हैं हम उसमें, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर
एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट. मतलब हम फ्रीजिंग पॉइंट ऐसी टेम्परेचर वैल्यू को कहते हैं जहाँ पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर से इक्वल हो जाए, राइट? जहाँ पे दोनों आके कॉइंसाइड करते हैं. अब देखिए, ये तो है सॉल्वेंट. सॉल्वेंट हम मानते हैं कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, राइट? अगर मान लो हमारे पास कोई सॉलिड सॉल्वेंट हो, तभी भी क्या होगा, जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इन केस ऑफ अ सॉलिड सॉल्वेंट, जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा उसका वेपर प्रेशर बहुत शार्प वे में इंक्रीज होगा, शार्पली इंक्रीज करता है कि मान लो सब्लिमेशन होगी या कुछ उस कारण से. सो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर हमारे पास सॉलिड कोई सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर एकदम बहुत तीखे से वे में आगे बढ़ेगा, राइट? ये हमारे पास ग्राफ आ गया किसका, सॉल्वेंट का. लेकिन यहाँ सॉल्वेंट है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में. देखिए, अब क्या है, सॉल्वेंट है सॉलिड फॉर्म में और ये कर्व है सॉलिड इन द लिक्विड फॉर्म. हम क्या कह रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर, देखो वेपर प्रेशर की कर्व है ना, ये वेपर प्रेशर शो कर रहा है. सो वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट का इक्वल हो जाए किसके वेपर प्रेशर से, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर पे. अब देखो, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट इन दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो कंसाइड कर रहा है इस कॉमन टेम्परेचर पे. तो इस कॉमन टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, राइट? फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है तो इसके हम नोट करेंगे TF. TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि ये सॉल्वेंट का है तो यहाँ पे हम लोग क्या मार्क करेंगे, नॉट. TF नॉट क्या हो गया अभी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे हम, राइट? अब इन अ सिमिलर मैनर, ये जो सल्यूशन की कर्व है, सल्यूशन की कर्व इस सॉलिड सॉल्वेंट को जहाँ भी आकर मीट करेगी. सल्यूशन बनाया है हमने, सल्यूशन भी यहाँ हमारे पास लिक्विड फॉर्म में ही है ना, राइट? तो ये भी लिक्विड की कर्व हो गई. अब जहाँ सल्यूशन वाले लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट जो कि सॉलिड फॉर्म में है उसके वेपर प्रेशर से आके कंसाइड करेगा, इक्वल हो जाएगा इस टेम्परेचर वैल्यू को भी हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट. ये भी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट. लेकिन ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सल्यूशन का, तो हम इसे कह देंगे TF. तो TF यहाँ हमारे पास क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. अब देखो क्या है, ये हमारी TF नॉट की वैल्यू है, ये हमारी TF की वैल्यू है. मतलब जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है उनमें एक डिफरेंस है. प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, लेकिन जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है. मतलब हम क्या देख रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट आ गई, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया, इसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और जो इन दोनों में गैप है उसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा TF के साथ. डेल्टा TF का भी यहाँ क्या मतलब है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. समझ रहे हो ना इस चीज़ को, ठीक है? अब देखो क्या है यहाँ पे हमारे पास, कि मान लो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है कोई
प्योर सॉल्वेंट है ना, तो जब हम किसी चीज़ को फ्रीज करना चाहते हैं तो क्या होता है, अगर लिक्विड भी है, लिक्विड है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो जब ही हम चाहते हैं कि वो फ्रीज हो, सॉलिडिफाई हो, सॉलिड में ज्योमेट्री अच्छी रहती है ना, बहुत अच्छी ज्योमेट्री रहती है, पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो अगर प्योर सॉल्वेंट है पार्टिकल बहुत अच्छे वे में एक दूसरे के साथ नज़दीक नज़दीक आएंगे और बहुत ही अच्छी ज्योमेट्री बनाएंगे, ज्योमेट्री बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर उसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है बहुत अच्छी ज्योमेट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो बीच में कहीं ना कहीं आके फंसते जा रहे हैं और उनकी ज्योमेट्री को खराब कर रहे हैं। तो जिस टेम्परेचर पे इस पूरे सॉल्वेंट को फ्रीज होना चाहिए, जब हम उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, हमें और टेम्परेचर कम करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है कि जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज हो सके। राइट, यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर हम यहाँ पे देखें, क्या हमारे पास रहेगा फॉर्मूला डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ क्या है? बेसिकली शो कर रहा है टी एफ नॉट और टी एफ में कितना गैप है। जैसे हम लोग डेल्टा टी भी लिखते थे फॉर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सिमिलरली हमारे पास डेल्टा टी एफ है, उसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना डिप्रेशन आया, कितना कम करना पड़ा। टी एफ किसके इक्वल रहेगा? टी एफ नॉट में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे? टी एफ को। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। ओके, जैसे हमारे पास रहता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, सिमिलरली यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलालिटी के। सो व्हाट आर वी कैन से, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर इक्वल लगाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या है वो यहाँ पे, के एफ डॉट एम। ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ डॉट एम। के एफ यहाँ क्या है? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे हमारे पास के बी था, के बी को हम क्या कहते थे? मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे जो के एफ है उसे हम कहते हैं मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, और इट इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। जैसे डेल्टा के बी को कहते हैं ना एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, के एफ को कहते हैं क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। और ये जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है, इस फिनोमिना को हम क्रायोस्कोपी भी कहते हैं, ये भी याद रखना। राइट, सो अभी जो के एफ है हमारे पास, इसके यूनिट्स रहते हैं केल्विन, किलोग्राम्स पर मोल। यूनिट्स भी याद रखना है इसके, यूनिट्स ऑफ किसके? के एफ के। किसके इक्वल हैं? केल्विन किलोग्राम्स पर मोल। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन एक क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड्स में, दैट डिफाइन क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, और सिंपली दे आस्क डिफाइन मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। उसे हम कैसे लिखेंगे? देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ डॉट एम। अगर हमारे पास सल्यूशन हो वन मोलल, मतलब एम की वैल्यू वन हो, वी आर टॉकिंग अबाउट वन मोलल सल्यूशन। एम की वैल्यू वन है तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल आ जाएगा? के एफ के। तो हम क्या कह सकते हैं? दैट क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वन मोलल सॉल्यूशन। तो यहां से हमारी क्या बन गई? डेफिनेशन। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वन मोलल
सॉल्यूशन, मतलब एक मोलर सॉल्यूशन के लिए कितना डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है, उसे हम क्या कहते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट? इतना समझ में आ गया, तो इसे नोट कर लीजिए। और हम नेक्स्ट करेंगे अब डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट नाउ। क्या करेंगे अभी हम, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की, जो सॉल्यूट है उसका ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना है। अब देखिए हमें पता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ डॉट एम, एम क्या है यहाँ पे मोलालिटी, और मोलालिटी किसके इक्वल रहती है, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स है तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल रहेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज एम बी। साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज डब्ल्यू ए एंड देन वी विल मल्टीप्लाइड विद 1000 अगर हमारे पास डब्ल्यू ए हो इन ग्राम्स, अगर किलोग्राम्स में हो तो यहाँ 1000 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गई एम की वैल्यू, इस एम की वैल्यू को हम हमारी इक्वेशन वन में फिल कर देंगे यूजिंग इन इक्वेशन वन। क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ डॉट एम, एम की वैल्यू फिल करेंगे, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब यहाँ से हमें चाहिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या है वो एम बी, सो दिस इम्प्लाइज एम बी किसके इक्वल आ जाएगा, एम बी इधर चला जाएगा और डेल्टा टी एफ इधर आ जाएगा, तो फॉर्मूला विल बी के एफ डॉट डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इधर चला गया, डेल्टा टी एफ इधर आएगा, डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाइड विद डब्ल्यू ए। ये हमारा फॉर्मूला आ गया ऑब्जर्व्ड मोलर मास का, कि अगर आपको बोला जाए दैट यू नीड टू कैलकुलेट द ऑब्जर्व मोलर मास देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। याद रखिए अगर हमारे पास जो डब्ल्यू ए है, डब्ल्यू ए अगर ग्राम्स में है तो यहाँ 1000 आएगा, अगर हमारे पास डब्ल्यू ए किलोग्राम्स में है तो यहाँ 1000 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला सिंपली क्या रहेगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ हम डब्ल्यू ए अज्यूम्स कर रहे हैं किलोग्राम्स में। तो ये जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं, राइट, तो ऐसे मिस्टेक्स को अवॉइड करिए, डन, यूनिट्स का ख्याल रखिए। और एक चीज़ है यहाँ पे क्या, कि जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास वो इक्वल होगा नॉर्मल मोलर मास के, कब, उसके लिए हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल, राइट? पहली कंडीशन ये है, ऑब्जर्व मोलर मास नॉर्मल मोलर मास के इक्वल तब होगा जब सॉल्यूट क्या होगा, नॉन वोलाटाइल। और दूसरा क्या है हमारे पास, जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आइडियल होना चाहिए। आइडियल होने का मतलब क्या है, कि वो रॉल्स लॉ भी फॉलो करे और डाइल्यूट भी हो, डन। थर्ड है हमारे पास कि जो सॉल्यूट है वो ना तो एसोशिएट करना चाहिए और ना ही
डिसोशिएट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सल्यूट के पार्टिकल्स आपस में एसोशिएट कर जाएंगे तभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल जाएंगे, अगर जो सल्यूट है वो डिसोशिएट कर जाएगा तभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल जाएंगे, और जिससे कि पूरा का पूरा इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये तीन चीज़ें अगर फॉलो होती हैं उस केस में ऑब्जर्व्ड मोलर मास किसके इक्वल रहेगा, नॉर्मल मोलर मास के। डन, ये हो गया। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, दैट वाई डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज कंसिडर्ड एज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कि जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है उसे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें पता है दैट डेल्टा डी एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एम, मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचर। सो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो कॉलीगेटिव की जो डेल्टा टी एफ है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, वो एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, सिंस इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये भी याद रखना भी यहाँ पे, यस। अब हमें डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये समझ में आ गया। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, और वो क्या है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बेसिकली ये मिक्सचर रहते हैं, वाटर एंड इथाइलिन ग्लाइकोल का मिक्सचर है ये, इसे कूलेंट भी कहा जाता है। सो अगर हम वाटर एंड इथाइलिन ग्लाइकोल के इक्वल प्रोपोर्शन लेते हैं बाय वॉल्यूम, तो ये जो पूरा मिक्सचर है ये जाके फ्रीज करेगा एट -36 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लोअर चला जाता है, वहाँ पे एक चीज़ का डर रहता है कि जो कार रेडिएटर में पानी है वो फ्रीज हो जाएगा और उससे कुछ ना कुछ नुकसान होगा। अब अगर हम चाहते हैं कि कार रेडिएटर में जो वाटर है वो फ्रीज ना हो, इसलिए क्या करते हैं, उसमें कूलेंट या फिर कह लो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं इस सॉल्यूशन को। अब जब हमने ये सॉल्यूशन ऐड कर दिया कार रेडिएटर में, ये तो जाके फ्रीज करेगा -36 डिग्री सेल्सियस पे, बहुत लोअर टेम्परेचर पे जाके ये फ्रीज करता है, आसानी से ये फ्रीज नहीं होता। तो ये जो है बहुत ही यूज़फुल है कोल्ड कंट्रीज़ में, जहाँ पे तापमान या टेम्परेचर कह लो बहुत ही ज़्यादा लोअर चला जाता है, तो वहाँ पे ये कार रेडिएटर्स में वाटर को फ्रीज़ होने से बचाता है। अब ये इम्पॉर्टेंट है आपके CBSE बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, सिंपल क्वेश्चन आ जाता है दैट एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की एग्जाम्पल दो, या फिर एंटी फ्रीज सॉल्यूशन जो है किन चीज़ों का मिक्सचर है, तो आपको वहाँ पे ये भी मेंशन करना पड़ सकता है, राइट। ब्लैंक टाइप में आ सकता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डैश, यू मे नीड टू राइट इथाइलिन ग्लाइकोल देयर, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आ गया। या फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर इन्हें इक्वल प्रमोशन में लिया जाए बाय वॉल्यूम, तो ये कितने टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा, -36 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे भी अपने माइंड में ज़रूर रखिए। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप ऑफ KF। क्या रहता है इसमें, KF इज इक्वल्स टू MAR TF0² डिवाइडेड बाय डेल्टा एच फ्यूजन इंटू 1000। आपके लिए सिर्फ रिलेशनशिप है, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे MA क्या है, MA इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अगर आपको मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स पर मोल में गिवन है तो यहाँ 1000 आएगा, अगर ये किलोग्राम्स पर मोल में है तो यहाँ 1000 नहीं लेना है, ये चीज़ का आप ख्याल रखिए। आफ्टर दैट R क्या है, यहाँ पे गैस कॉन्स्टेंट। टी एफ नॉट है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देन डेल्टा H फ्यूजन इज मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अगेन जो KF की वैल्यूज हैं वो सभी सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड कर रही हैं, राइट। सो ये सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा हमने क्या फॉर्मूले किए हैं, दैट डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF0 - TF, डेल्टा DF इज इक्वल्स टू KF.M, एंड MB इज इक्वल्स टू KFWB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू WA। ये जो फॉर्मूले हैं ये हमें हेल्प करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। लेट्स हैव वन न्यूमेरिकल नाउ।
देखिए क्या है हमारी स्टेटमेंट, 45 ग्राम्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए कि हमें गिवन क्या है, वी आर गिवन विद दैट 45 ग्राम्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल मिक्स्ड विद 600 ग्राम्स ऑफ वाटर, कि हमारे पास 45 ग्राम्स इथाइलीन ग्लाइकोल के 600 ग्राम्स ऑफ वाटर में मिक्स है, मतलब कि जो इथाइलीन ग्लाइकोल है वो हमारे पास क्या है सॉल्यूट एंड वाटर क्या है सॉल्वेंट। तो हमें फाइंड क्या करना है कि जो कितना डिप्रेशन आ चुका है फ्रीजिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम होगा ये सॉल्यूशन बनाने पे, एंड ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है इसका खुद का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, राइट। सो सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या चीज़ें हमें गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है 45 ग्राम्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल, मतलब हमें मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है। और एक चीज़ याद रखिए कि अगर हम लोग मास की बात कर रहे हैं तो हम W लिखते हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मोलर मास देन वी राइट M। अगर सबस्क्रिप्ट A लगा हो तो उसका मतलब होता है सॉल्वेंट, अगर सबस्क्रिप्ट बी हो तो उसका मतलब रहता है सॉल्यूट। अब हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट 45 ग्राम्स, तो मतलब हमारे पास मास दैट इज डब्ल्यू बी, सॉल्यूट की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 45 ग्राम्स। देन वी हैव 600 ग्राम्स वाटर, 600 ग्राम्स वाटर मतलब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, डब्ल्यू ए की वैल्यू गिवन है 600 ग्राम्स। देन हमें के एफ भी गिवन है, कितना है 1.86 केल्विन किलोग्राम्स पर मोल। फाइंड क्या करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टी एफ फाइंड करना है। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या रहता है, के एफ डॉट एम, एम क्या है मोलालिटी। अब यहाँ पे मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में हो, जैसे हमें ग्राम्स में गिवन है, तो पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज एम बी। देन वी नीड मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए, क्योंकि ये ग्राम्स में है तो इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। ये सभी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन यहाँ पे एम बी जो मोलर मास है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, क्या है C2H6O2। अब ये हमारा सॉल्यूट है इथाइलीन ग्लाइकोल, इससे हम एम बी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, 2 टाइम्स मास ऑफ कार्बन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन, और ये हमारे पास आ जाता है 62 ग्राम्स। ये हमारे पास एम बी की वैल्यू आ गई। ये सभी वैल्यूज हम लोग फिल कर देंगे। के एफ कितना है हमारे पास 1.86 इंटू डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी कितना है 45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी, एम बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 62 ग्राम्स पर मोल, राइट। एंड डब्ल्यू ए हमारे पास कितना है 600 ग्राम्स, राइट। और जब हम ये सारा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने में हमारे पास आएगा 2.25 केल्विन्स। ये हमारी वैल्यू आ गई डेल्टा टी एफ की, इतनी लोअरिंग, इतना डिप्रेशन आया है फ्रीजिंग पॉइंट में। अब सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। हमारे पास फॉर्मूला डेल्टा टी एफ किसके इक्वल रहता है, टी एफ नॉट कि प्योर सॉल्वेंट का कितना फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस टी एफ। टी एफ क्या है यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, और हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। टी एफ नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा टी एफ, और टी एफ नॉट में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे डेल्टा टी एफ को। अब टी एफ नॉट, टी एफ नॉट क्या है हमारे पास, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है कितना होता है 273 केल्विन्स,
माइनस, इसमें से डेल्टा टी एफ माइनस करेंगे, डेल्टा टी एफ कितना है 2.25 केल्विन्स। 273 में से 2.25 केल्विन्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 270.75 केल्विन्स। ये हमारी वैल्यू आ गई टी एफ की, मतलब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 270.75 केल्विन, क्योंकि ओवरऑल डिप्रेशन कितना आया है फ्रीजिंग पॉइंट में 2.25 केल्विन्स। तो यहाँ पे ये हमने हमारे फॉर्मूले यूज करके वी हैव सिंपली कैलकुलेटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन टी एफ। अभी हम करते हैं हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, मोलल एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर एट 273 केल्विन इज 6.0246 किलो जूल्स पर मोल, कैलकुलेट मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। देखिए आपको मोलल एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन गिवन है, राइट, एंड यू नीड टू फाइंड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, मतलब आपको के एफ की वैल्यू फाइंड करनी है एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको गिवन है। वही जो मैंने आपको थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप बताया था के एफ को फाइंड करने के लिए, वही हम यहाँ पे इम्प्लाई करेंगे। तो क्या है फॉर्मूला, के एफ इक्वल्स टू एम आर टी एफ नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एच फ्यूजन, राइट। एम ए हमारे पास क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट क्या है वाटर, और वाटर का मोलर मास क्या रहता है हमारे पास 18 ग्राम्स पर मोल। अब क्योंकि हमारे पास एम ए की वैल्यू ग्राम्स पर मोल में है, इसलिए हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे विद डेट ऑफ 1000, राइट। अब हम इसमें वैल्यूज देखेंगे क्या है, एम ए की वैल्यू हमें पता चल गई 18 ग्राम्स पर मोल, आर क्या है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, वैल्यू क्या रहती है इसकी 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, एंड देन वी हैव टी एफ नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहता है 273 केल्विन्स। देन वी हैव डेल्टा एच फ्यूजन, इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 6.0246 किलो जूल्स पर मोल। अब देखिए आर जो हमारा गैस कांस्टेंट है उसके यूनिट्स हैं हमारे पास जूल्स में, लेकिन जो डेल्टा एच फ्यूजन है इट इज़ इन किलो जूल्स, तो हम इसे भी जूल्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या आएगा 6024.6 जूल्स पर मोल। अब ये सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इन सभी वैल्यूज़ को हम फिल कर देंगे, के एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले एम ए दैट इज 18 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 8.314 इंटू टी एफ नॉट स्क्वायर, टी एफ नॉट इज 273 डिवाइडेड बाय डेल्टा एच फ्यूजन 6024.6 मल्टीप्लाइड विद 1000, और सॉल्व करने पे हमारे पास सारी वैल्यू जो है के एफ की कितनी आएगी 1.85 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और ये हमने के एफ की वैल्यू फाइंड कर ली बाय यूजिंग द थर्मोडायनामिक रिलेशन फॉर के एफ।